इलाहाबाद के सुमित्रा नंदन पंत पार्क में भगवान गौतम बुद्ध की पूर्णिमा के अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी पूर्णिमा पर सम्राट अशोक फाउंडेशन द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष संस्था के अध्यक्ष मंजू मोरे द्वारा पंचशील दीप जलाया गया और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में आए बुद्धिजीवियों एवं बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासकों ने पार्क में दीप जलाए। दीप प्रज्वलन के बाद संस्था की अध्यक्ष मंजू मोरे ने बताया कि भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार सारनाथ में अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे दुनिया में प्रेम मैत्री का सबसे बड़ा धर्म बन गया। दुनिया में भगवान गौतम बुद्ध द्वारा धर्म की पहली बार विज्ञान का आधार दिया गया था। संस्था की जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका सिंह ने बताया कि बौद्ध धर्म के विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर विश्व के लगभग 70 देशों में आज भगवान बुद्ध के प्रति नतमस्तक होते हैं और आज हम सब उसी भगवान बुद्ध की वंदना और नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। साथ ही भगवान गौतम बुद्ध का धम्मम प्रेम मैत्री करुणा समानता समानता का संदेश देता है तथा गौतम बुद्ध के धर्म 2500 वर्ष पहले प्रासंगिक था उतना ही आज भी प्रासंगिक है। क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? विश्व गुरु बुद्ध जी के ये जो संदेश है जो उनका मूल मंत्र है अपदीपो भव जी, तो हम यहाँ पे कैंडल के माध्यम से जो हम प्रकाशित करते हैं कैंडल से बहुत सारे ज्योतियों को जलाते हैं, तो हमारे ये मानना है कि सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है हमारे देश को अपने आप को प्रकाशित करने की। और बुद्ध का सबसे महात्मा बुद्ध जी का सबसे जो मेन पर्पस था जो उनका ये मानना था कि मानव से बढ़ करके न कोई धर्म है न कोई मान्यताएं हैं न कोई आदर्श है और सबसे पहले मानव है। तो हमें कहीं ना कहीं ये जितनी भी मान्यताएँ हैं ये जो आदर्श बने हैं ये मानव के लिए हैं ना कि मानव इन आदर्शों और इन चीज़ों के लिए है। तो मेन उद्देश्य हमारा है कि मानव हित के लिए ही हमें प्रयासरत रहना चाहिए, इसी चीज़ को संदेश को हम यहाँ फैला रहे हैं जी। अशोक फाउंडेशन आप अपना परिचय? मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स। जानते हैं कि जो पूर्णिमा है और हम बुद्धिस्टों के लिए बहुत ही पवित्र है क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और पूर्णिमा के ही दिन उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये उद्देश्य जाएगा कि हम सब लोग मिल करके जो सत्य है अहिंसा है उस भगवान बुद्ध के रास्ते पर हम लोग चलना चाहते हैं। हम लोग से भगवान हम लोग का एक ही नारा है कि हमको युद्ध नहीं हमको बुद्ध चाहिए। हम पाखंड अंधविश्वास इससे हम दूर आना होना चाहते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जब लोग इकट्ठा होंगे जब हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि बुद्ध का जो उपदेश था जो उनका धर्म था वो कोई धर्म नहीं वो एक विज्ञान था। और जब हम विज्ञान से जुड़ेंगे तो हम पाखंड से हटेंगे अंधविश्वास से हटेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारा देश जो अन्य देशों की अपेक्षा, जबकि कहते हैं कि भारत बहुत खूबसूरत देश है यहाँ चार चार ऋतुएं हैं यहाँ नदियां हैं तालाब हैं झरने सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं कितनी खराब है। उसका कारण है कहीं ना कहीं से अंधविश्वास और पाखंड में हम जुड़े हुए हैं। हम पेड़ पौधों को काटते हुए चले जा रहे हैं और हम कहते हैं मेढक मेढकी की शादी करा दो और जो है बारिश होगी। तो हम इस चीज़ को हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं मेढक मेढकी की शादी से नहीं होगा कि बारिश होगी, बल्कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुछ करो, मतलब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर हम भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे तो हम मेढक मेढकी की शादी नहीं कराएंगे, बल्कि हम वृक्ष लगाएंगे, बारिश कैसे उसकी व्यवस्था करेंगे। और हम इस चीज़ को लेकर के इस कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोग पूरी पूर्णिमा जो 12 पूर्णिमा पड़ती है यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। तो अपना नाम बताइए। हम मंजू मौर्य और सम्राट अशोक फाउंडेशन की मैं जो अध्यक्ष हूँ और बस समाज की छोटी सिपाही हूँ, एक संदेश ही देने। इलाहाबाद से राजी की रिपोर्ट।